स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी की टीजर के बारे में और ये उसकी टॉक्सिक मूवी की फास्ट ग्लिम्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की फाइटर मूवी के बारे में, जिसका टीजर रिलीज किया गया 8 दिसंबर 2023 को। और इस टीजर को देखने पर मालूम पड़ा ये मूवी बेस्ड होने वाला है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। उसके साथ इस मूवी में आपको एरियल एक्शन भी दिखाने वाले हैं, जो इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी होने वाला है। उसके साथ ये मूवी एक ट्रायलॉजी है, यानी कि इस मूवी का और दो पार्ट आने वाला है। उसके अलावा इस टीजर में वीएफएक्स, सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क इंप्रेसिव था, पर मैं एक्साइटेड हूँ इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस के लिए। इसकी दो ही रीजन है क्योंकि ये मूवी हिंदी में आने वाला है और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जो इससे पहले वार और पठान जैसी मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो ओवरऑल ये टीजर देखकर मैं एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। ये मूवी आने वाला है रिपब्लिक डे से एक दिन पहले 25 जनवरी 2023। अब बात करते हैं रॉकी स्टार यश की टॉक्सिक मूवी के फास्ट ग्लिम्स के बारे में, जो उसी सेम डे 8 दिसंबर को रिलीज किए गए। इस फास्ट ग्लिम्स में रॉकी स्टार के फास्ट लुक भी दिखाए गए। उसके साथ इस मूवी के थीम जोकर के ऊपर बेस्ड होने वाला है। उसके साथ इस मूवी का थीम डार्क और बोल्ड होने वाला है, जो इस फास्ट ग्लिम्स में दिखाए गए। और इस फास्ट लुक में यश राइफल के साथ नजर आए, यानी इस मूवी में वायलेंस भी होने वाला है। और यश की फास्ट लुक को देखकर मुझे केजीएम मूवी की याद आ रही थी, जो सिमिलर टाइप की लुक आपको केजीएम मूवी में भी दिखाई गए। मगर यह मूवी केजीएम मूवी की तरह है या केजीएम मूवी से भी बेहतर है, ये तो मूवी देखने पर मालूम पड़ेगा। ये मूवी आने वाला है 10/4/2025 को। तो ये था मेरा रिव्यू फाइटर की टीजर और टॉक्सिक की फास्ट फिल्म्स के बारे में, और आप कमेंट करके बताएं आपको ये रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि लगातार मेरे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।